हेलो सेवेंथ क्लास, आज हम अपना इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ, है ना, आवो। ठीक है, 1 घंटे की कहानी। इसमें मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो हम पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको मीनिंग बता दूंगी। ठीक है, कि इसका मीनिंग प्रॉपर क्या है। बहुत ही स्टोरी अच्छी है। नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ एन आर। आर मीन्स घंटा, स्टोरी कहानी वालों, 1 घंटे की कहानी। इसमें जो भी हुआ है 1 घंटे की बात है, और उसमें ही वो स्टोरी का एंड हुआ है। इसमें क्या है? नोइंग दैट अ मिस्टर मिलार्ड। इसमें ना चार करेक्टर है। ओके, पहले ध्यान से देखते हैं। इसमें चार करेक्टर है, एक है मिसेज मिलार्ड, ठीक है, और एक है ब्रैंडले मिलार्ड। ब्रैंडले मिलार्ड की वाइफ कौन है? मिसेज मिलार्ड। ओके, ब्रैंडले मिलार्ड एंड मिसेस मिलार्ड। मिसेस मिलार्ड की सिस्टर है जोसफीन, ठीक है, और साथ ही साथ ब्रैंडले मिलार्ड, ब्रैंडले मिलार्ड के एक फ्रेंड है, नाम क्या है, वो नाम आगे आएगा, रिचर्ड। ठीक है, रिचर्ड जो नाम है, ब्रैंडले मिलार्ड के फ्रेंड है, और मिसेस मिलार्ड की सिस्टर है जोसफीन। ये चार करेक्टर इसमें स्टोरी में है। ओके, चलो नाउ स्टार्ट करते हैं हम। नोइंग दैट मिस्टर मिलार्ड वॉज एफ्लिक्टेड विद द हार्ट ट्रबल, ग्रेट केयर वॉज टेकन टू ब्रेक टू हर एज अ जेंटली एज पॉसिबल द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ। It was her sister Josephine who told her in a broken sentence, veiled hints that are revealed in all concealing her husband's friend Richard was there too, near her. It was he who had been in the newspaper office when intelligence of a railroad disaster was received with a Brenly Millard's name leading the list of killed. He had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram, and he had hastened off a first stall and less careful, less tender friend in a bearing the sad message. She did not. अच्छा, यहाँ तक समझते हैं क्या मतलब है कि मिसेस मिलार्ड है वो हार्ट पेशेंट है। ठीक है, हार्ट पेशेंट है, तो उनकी जो सिस्टर है जोसफीन, वो बहुत टेंशन में है कि उनको कैसे बताया जाए कि उनके हस्बैंड का, जो कि कौन है, ब्रैंडले मिलार्ड है, उनकी डेथ हो गई है। जोसफीन को अब बताना है, और जोसफीन को ये बात बताई है रिचर्ड ने। क्यों? रिचर्ड कौन है? ब्रैंडले मिलार्ड के फ्रेंड हैं। ठीक है, अब ब्रैंडले मिलार्ड के ही डेथ की बात चल रही है। अब ब्रैंडले मिलार्ड को, रिचर्ड को कैसे पता चला कि ब्रैंडले मिलार्ड की डेथ हो गई है? क्योंकि रेल रोड डिजास्टर ने जो लिस्ट निकाली, उसमें लिस्ट में उस मरे हुए लोगों में कोई एक्सीडेंट हो गया है रेल रोड का, तो कोई एक्सीडेंट हो गया है उसमें, किल्ड में मरे हुए लोगों में किसका नाम है? ब्रैंडले मिलार्ड का भी नाम है। तो रिचर्ड को वहां से पता चला, न्यूज़पेपर से, ठीक है, ऑफिस के न्यूज़पेपर से पता चला। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, रिचर्ड ने थोड़ा कंफर्म हुआ, सेकंड टेलीग्राम का वेट किया, तो सच में ही एश्योर हो गया कि हाँ, सच में ही ब्रैंडले मिलार्ड की क्या है, मृत्यु हो गई है। अब रिचर्ड ने जोसफीन को बताया कि सिस्टर को, कि मतलब कि मिसेस मिलार्ड के सिस्टर को, कि ब्रैंडले मिलार्ड की मृत्यु हो गई है। उसके बाद जोसफीन अब टेंशन में है कि मिसेस मिलार्ड को कैसे बताया जाए, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। ओके, तो यही बात चल रही है। तो उन्होंने टूटे फूटे शब्दों में आके जोसफीन ने बता ही दिया कि आपके हस्बैंड की, किसी मिसेस मिलार्ड को बता ही दिया कि ब्रैंडले मिलार्ड की डेथ हो चुकी है। ठीक है, अब ये सुनते ही मिसेस मिलार्ड क्या करती हैं, क्या सोचती हैं, क्या कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। शी डिड नॉट हियर द स्टोरी ऑफ, एज मैनी वुमेन हैव हर्ड द सेम, विद अ पैरालाइज इन एबिलिटी टू एक्सेप्ट इट्स सिग्निफिकेंस। शी वेव्ड एट वंस विद अ सडन वाइल्ड अबेंडोनमेंट इन हर सिस्टर्स आर्म्स। When she stormed, a grief had spent itself, the went away to her room alone. She would have to no one follow her. They stood facing the open window and comfortable roomy armchair. अब देखो क्या हुआ, जैसे नॉर्मल अगर आपको किसी के, मतलब कि हस्बैंड की डेथ हो जाए, अगर उन्हें पता चले कि हाँ, मेरे अब हस्बैंड नहीं रहे, तो होता है ना कि वो जैसे यकीन ना कर पाई हो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह मान लिया कि मतलब कि
क्या कैसे समझो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ठीक है, ऐसा होता ना कि बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये, पर उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली। थोड़ी देर अपने उस उन्होंने क्या किया, अपने सिस्टर जोसेफिन के आर्म पे रोई, ठीक है। रोने के बाद वो क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट करी उस बात को, उसको रोया उन्होंने थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद वो क्या किया, उन्होंने एक रूम की तरफ चल पड़ी। जब वो रूम में अपने रूम की तरफ जा रही थी तो उसको किसी ने फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि अकेला छोड़ देना चाहती थी तो जोसेफिन ने भी उन्हें कोई रोका नहीं, ठीक है। और जब वो रूम में गई, शी वुड हैव नो वन फॉलो हर, किसी ने फॉलो किया, देर शुड फेसिंग द ओपन विंडो। जब रूम में गई तो वहाँ पे क्या था, एक विंडो खुला हुआ था और वहीं पर ही एक आर्म चेयर था। एक चेयर होती है ना, आर्म वाली चेयर होती है रूम में होती है, ठीक है, जो आपने देखी होगी, चेयर मतलब चेयर की बात चल रही है। तो वो उस रूम में जाती हैं, ठीक है, रूम को लॉक कर लेती हैं और अंदर ही रहती हैं। Into this, she sank pressed down by a physically exhaustion that haunted her body and seemed to reach into her soul. She could see in her open square before her house to top of trees that were all aquiver with a new spring life. The delicious breath of a rain was in the air. In a street below, the paddle was crying its ways. The notes of a distant song which someone has singing reached her friendly, and a countless sparrow were twittering in the eaves. इसके यहाँ तक पढ़ते हैं। जब वो रूम में गई तो रूम खुला हुआ था, खिड़की के पास वो जाती हैं, खिड़की तरफ जब वो बाहर देखती हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। हवा में क्या था, बारिश की खुशबू थी, जो स्प्रिंग की, ठीक है, स्प्रिंग का मौसम बताया जा रहा है, और थोड़ी सी ऐसी थी कि हल्की फुल्की बारिश हुई हो, वैसे खुशबू थी बाहर। साथ ही साथ ट्रीज दिख रहे थे उन्हें बहुत सारे, ठीक है। और उसके बाद फ्रेश एयर, रेन वॉज इन द एयर, लग रहा था कि फ्रेश एयर है, जैसे हवा आती है उसके बाद हवा सुहानी हो जाती है, वैसा उन्हें फील हो रहा था कि हवा बहुत ही अच्छे से चल रही है। इन स्ट्रीट बिलो अ पैडलर वॉज क्राइंग, अब अच्छा, स्ट्रीट में अपने पैडलर वगैरह जो घूमने वाले जो सामान बेच रहे होते उनकी आवाज़ उसे सुना, उनको सुनाई दे रही है। द नोट्स ऑफ द डिस्टेंट सॉन्ग विद समवन वॉज सिंगिंग रीच्ड हर फ्रेंडली एंड अ काउंटलेस स्पैरो वर ट्वीटिंग, तो उन्हें जो आसपास की वो आवाज़ें सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो उनका दिमाग क्या है, प्रेजेंट है उस टाइम, तो उन्होंने सब चीज़ महसूस करी कि उन्हें क्या क्या सुनाई दे रहा है। वो ध्यान से वो सोल में मतलब कि अपनी आत्मा में घुसने की कोशिश करती है, अंदर से फील करने की कोशिश करती है उन्हें कैसा फील हो रहा है। देयर वॉज अ पैचेस ऑफ ब्लू स्काई शोविंग हर एंड थ्रो द क्लाउड्स दैट हैड मीट एंड piled on the above the other in the west facing her window. She set her head thrown back open a cushions of chair and quite motionless except when a sob came up into her throat and shook her as a child who has cried itself to sleep continues to sob in its dreams. अब ये सब सुन के थोड़ा सा क्या हो, उन्हें आसमान दिख रहे हैं, ठीक है, ब्लू पैचेस वाले स्काई उनको नज़र में आ रहे हैं, ठीक है, उनको क्लाउड्स दिख रहे हैं, विंडो से ही वो देख रही हैं क्लाउड्स को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, ठीक है। वो क्या करती है, कुशन पे अपने जो आम चेयर थी वहाँ बैठती हैं और टिका के बैठते हैं ना, जैसे कुशन होता है चेयर पे, तो टिका के वो अपने सर को टिका के बैठ जाती हैं, ओके। और जैसे पर मोशनलेस थी, कोई मोशन नहीं था, जैसे हिलना डुलना बंद था उनका, एकदम स्ट्रेट वो जाके बैठ जाती हैं और बस क्या कर रही थी, बस सोब, जो दुख में एक रोने जैसा होता है ना, आपने बच्चे को देखा होगा, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ कि जैसे बच्चा जब सोते सोते आपको लगता है कि वो कुछ सोच रहा हो या कुछ बहुत ज़्यादा दुख हो, तब वो सोब करता है, थ्रॉट में आपको नज़र आएगा वो मूवमेंट करता हुआ। तो बस ऐसा ही उनके अंदर फील चल रहा था, जैसे खूब वो रोना रोक रही हूँ, ठीक है, ऐसा फील हो रहा था, जब उन्हें रोने का मन था रोना रोक रही थी दुख में, ठीक है। शी वॉज यंग विद अ फियर का, अब इसमें बताया गया वो कैसी थी, वो यंग थी, फियर थी, उनका फेयर कलर था एंड काम फेस थी, बिल्कुल शांत थी, हुज लाइंस बेस्ट बी स्पोक रिप्रेशन एंड इवन अ सर्टेन स्ट्रेंथ, बट नाउ देयर वॉज अ डल स्टार इन हर आइज हुज गेज वॉज फिक्स्ड अवे ओवर ऑफ यर्ड ऑन वन ऑफ दोज पैचेस ऑफ ब्लू स्काई, इट वॉज नॉट अ ग्लैंस ऑफ रिफ्लेक्शन। साथ में ये भी बताया गया कि वो यंग थी, फेयर थी, और यंग थी, फेयर थी, ठीक है, काम थी, पर कहीं ना कहीं उनको अब डल स्टार्स दिख रहे हैं, ठीक है, झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं उनकी आंखों के पास, ये कहीं ना कहीं उनके स्ट्रेंथ वगैरह को दिखाती हैं, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसके बाद
तो फिर हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि वो यंग थी, फेयर थी, काम थी, ठीक है, उसके बाद, और हाँ, उनकी क्या थी, फेयर थी, काम थी, यंग थी, तो भी उनके जो स्टार्स दिख रहे थे, झुर्रियाँ दिख रही थी, क्यों, तो इस वजह से बताया गया कि कहीं ना कहीं उनको क्या थी, उनको बहुत सारे प्रेशर होगा, ठीक है, उनके कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, इस वजह से कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर जो झुर्रियाँ भी थी यंग होने के बावजूद भी, ठीक है, तो वो डिप्रेस थी, डिप्रेशन को कम करने के लिए कह रही थी कि हाँ, वो सोप करते हुए बैठ जाती हैं कुशन पे टेक लगा के, ठीक है, उसके बाद वो सोचती हैं, वो बाहर देख रही होती हैं, और उसके बाद उनके दिमाग में, जब वो बाहर इसी तरीके से ऑब्जर्व कर रही होती है सारी चीज़ों को, तो उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा थॉट आता है, एक इंटेलिजेंस थॉट आता है, उसी के बारे में पढ़ते हैं क्या था थॉट। इट वॉज नॉट अ ग्लैंस ऑफ रिफ्लेक्शन बट रैदर इंडिकेट अ सस्पेंशन ऑफ इंटेलिजेंस थॉट, देयर वॉज अ समथिंग कमिंग टू हर एंड शी वॉज वेटिंग फॉर इट फियरफुली। उनके दिमाग में ये आइडिया आता है, जब वो दुख में थी, डिप्रेस थी, पर जब वो बाहर देख रही हैं तो एक इंटेलिजेंस थॉट आता है कि अरे, ये तो वही दिन है जिसका कहीं ना कहीं मैं वेट कर रही थी, ठीक है, जो आज ही दिन आया है, ठीक है, कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, वो इस तरीके का उनको माइंड में आता है। What was it? She did not know it was too subtle and elusive to name, but she felt it. अब देखो, ये बड़ा विचित्र सा विचार उनके दिमाग में आ रहा था कि वो कैसे खुश हो सकते, कैसे उनको लग रहा है कि ये इसी दिन का वेट कर रही थी, बल्कि कोई लेडी की तो ये वेट नहीं करेगी कि कोई उसका हस्बैंड जो है वो मर जाए, डेथ कर जाए। पर उसके दिमाग में जो मिसेस मिलार्ड थे, उनके दिमाग में एकदम से दिमाग में बात आई कि अरे, ये तो वही दिन था, यही वो दिन है जिसका वो वेट कर रही थी कहीं ना कहीं। क्रीपिंग आउट ऑफ द स्काई, रीचिंग टूवर्ड्स हर थॉट, द साउंड ऑफ द स्केंट्स, द कलर दैट फिल्ड द एयर, नाउ हर बोसम्स रोज एंड फिल। नेक्स्ट, शी वॉज बिगनिंग टू रिकॉग्नाइज हिज थिंग्स दैट आर अप्रोचिंग टू पॉसेस हर, एंड शी वॉज स्ट्राइविंग टू बीट इट बैक विद हर विल। अब क्या हुआ, जब उनके दिमाग में ये बात आई कि वो आखिर ऐसी बात सोच क्यों रही हैं कि वो इसी दिन का वेट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं फिर वो क्या करती है, उस थॉट को रोकने की कोशिश करती हैं कि ये थॉट उसका चल जाए, क्योंकि ये थॉट सही नहीं था। एज पावरलेस एज हर टू वाइट स्लेंडर हैंड्स शुड हैव बीन, वो उस पावर को ऐसे, मतलब कि उस थॉट को ऐसे पकाएंगे जैसे कि वही उनका कमज़ोर हाथ है, उसी तरीके से कोई चीज़ पुश करते हैं बैक, तो उसी तरीके से वो कोशिश कर रही थी कहीं ना कहीं ये थॉट उसका जो है उनके दिमाग में चल रहा है वो चला जाए, कि वो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। ओके, व्हेन शी वॉज अबैंडॉन्ड हर सेल्फ इट्स लिटिल विस्पर्ड होती हैं, वर्ड एस्केप्ड हर स्लाइटली पार्टेड लिप्स, शी सेड इट ओवर एंड ओवर अंडर द हर ब्रीथ, फ्री फ्री फ्री, द वेकेंट स्टार एंड अ लुक ऑफ टेरर दैट हैड फॉलोड इट वेंट फ्रॉम हर आइज। अब क्या हुआ, पर जैसे ही वो रोक रही होती है, वो उस थॉट को नहीं रोक पाती है, और अचानक से वो विस्पर करती हैं, अब खाम धीरे से आवाज़ होती है ना, अपने मन में ब्रीथ करते हुए बोलती हैं, क्या फ्री फ्री फ्री, क्या कि वो अब आज़ाद है, ठीक है, वो अब उन्हें दिमाग में ये आता है, वो रोकने की कोशिश तो कर रही होती है थॉट, पर एकदम से उनके अब लिप्स पे क्या आ जाती है, वो हल्के से विस्पर करती है वर्ड फ्री फ्री फ्री, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो उनका जो आई था, पहले डिप्रेशन था, अब वो कैसी हो गई हैं उनकी आइज, अब वो बिल्कुल चमक आ गई उन आँखों में, अब वो डिप्रेशन में नहीं है, ठीक है, एकदम से उनके दिमाग में जब ये बात आई, उसका दे स्टेड अ नीड टू एंड ब्राइट, हर पल्सेस बीट फास्ट एंड क्रशिंग ब्लड वार्म्ड एंड रिलैक्स्ड एवरी इंच ऑफ हर बॉडी। अब क्या है, उनका जो हार्ट बीट है वो भी फास्ट बीट कर रहा है, एंड क्रशिंग ब्लड वार्म्ड एंड रिलैक्स्ड एवरी इंच ऑफ बॉडी, अब वो रिलैक्स हो गई ये सोचकर बिल्कुल, ठीक है, यही बात सुनकर कि अब वो फ्री हैं। शी डिड नॉट स्टॉप टू आस्क इफ इट वर और वर नॉट अ मोन्स्टोरियस जॉय दैट हेल्ड हर। अब उनके ये कब नहीं रोक पा रही थी अपने आप को कि ये मोन्स्टोरियस जॉय, मतलब कि एक मॉन्स्टर टाइप का जॉय जो है, एक ईविल जॉय जो है उनके दिमाग में आ गया, ठीक है, अ क्लियर एंड एक्सल्टेड प्रीसेप्शंस इनेबल्ड हर टू डिसमिस द सजेशन ऑफ ट्रेविल। शी न्यू दैट शी वुड वीप अगेन वैन शी सॉ द काइंड टेंडर हैंड फोल्डेड इन डेथ, द फेस that had ever looked deceived with a love upon her, fixed and grey and dead. But she was beyond the bitter moment, a long procession, year of to come to would belong to her,
एब्सोल्युटली एंड शी ओपन एंड स्प्रेड हर आर्म्स आउट ऑफ देम इन वेलकम. अब क्या हुआ देखो, वो अब उनमें अचानक से खुशी आ गई. एक मोस्टेरियस जॉय होता है कि दुख वाले बात में भी खुश हो गई वो. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिला था, तो उनके दिमाग में ये बात आ गई कि अब वो कहीं ना कहीं अब आज़ाद है. उन्होंने ये माना कि अगर वो अभी अपने हस्बैंड को देखेंगी तो ज़रूर उन्हें दुख होगा, ठीक है, वो रोएंगी भी, पर वो इस मोमेंट को अपने खुले आम से उसका स्वागत करेगी, ठीक है. ज़्यादा स्वागत इसलिए करेंगी, डिप्रेस नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस दिन का इंतज़ार कर रही थी और वो इंडिपेंडेंटली अपना जीवन जो लाइफ है वो स्पेंड कर सकती है इसके आगे, ठीक है. देयर वुड बी नो वन टू लीव द ड्यूरिंग दोज कमिंग ईयर्स शी वुड लीव फॉर हर. देयर वुड बी नो पावरफुल विल बेंडिंग हर इन अ ब्लाइंड रेसिस्टेंस विद द विच मैन एंड वुमेन बिलीव्स. अब वो चाह रही कि क्योंकि आने वाला समय अब कैसा होगा जिसमें वो आज़ादी से रह पाएंगी, कोई उनके ऊपर बाइंडिंग लगाने वाला, कोई उनको रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है, जैसे दूसरे मैन और वुमेन को होता है. अब वो आज़ाद हैं, उनके दिमाग में ये वर्ड आता है. हालांकि वो मानती हैं कि उन्हें थोड़ा दुख और, जब वो अपने हस्बैंड को देखेंगी तो उन्हें दुख होगा, वो ये मानती हैं. बट आगे देखते हैं, दे हैव अ राइट टू इम्पोज अ प्राइवेट विल अपॉन अ फेलो क्रिएचर्स अ काइंड ऑफ इंटेंशंस और क्रिल इंटेंशंस मेड द एक्ट सीम्स नो लेस और क्राइम एज शी लुक्ड अपॉन इट द ब्रीफ मोमेंट ऑफ द इल्यूमिनेशन एंड येट शी हैड लव्ड हिम समटाइम्स ओवन शी हैड नॉट. वट डिड इट मैटर वट कुड लव शी अनसॉल्वड मिस्ट्री काउंट फॉर इन द फेस ऑफ पोजिशन एंड सेल्फ एसरेशन which she suddenly recognized as a youngest impulse of her being. तो इसमें ये कहा गया कि अब वो उस लाइफ का, मतलब कि आने वाली लाइफ का वेलकम करने के लिए इंतज़ार कर रही होती हैं, ठीक है. एक बार को उन्हें लगता है कि वो ईविल जो है तो नहीं है, कि दुख भरे मोमेंट में भी वो अपनी खुशी ढूंढ रही हैं, पर वो फिर बोलती है नहीं, कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की नहीं है. क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होने से क्या होता है कि प्राइवेट नहीं है, क्योंकि फिर आपको रोकता है, कोई टोकता है, तो अब वो बोलती हैं कि अब वो फ्री हैं, ठीक है. अब कहीं ना कहीं वो बोलती हैं कि हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को लव तो किया था, पर कहीं ना कहीं इतना लव नहीं, ठीक है. तो यानी कि ये भी दिखाया रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी मैरिज लाइफ जो थी वो सेटिस्फाई वाली नहीं थी इसी वजह से, ठीक है. उसके बाद वो खुश होती हैं कि अब वो लाइफ फ्रीली अपने लिए जी लेंगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं अगर वो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई किसी पर कंट्रोल करता था वो सही नहीं है. ओके, फ्री बॉडी एंड सोल फ्री शी कीप्ड विस्परिंग. जोसेफीन वॉज नीलिंग बिफोर द क्लोज डोर विद हर लिप्स टू द की होल इम्प्लोरिंग फॉर द एडमिशन. लूज ओपन द डोर, आई बैग, ओपन द डोर, यू विल मेक योर सेल्फ इल, वट आर यू डूइंग लूज, फॉर हेवन शेक ओपन द डोर, गो अवे, आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ इल. नो, शी वॉज ड्रिंकिंग इन अ वेरी एलेक्सियर ऑफ लाइफ थ्रो दैट ओपन विंडो. हर फैंसी वॉज रनिंग राइट अलॉन्ग दोज डेज एंड अहेड ऑफ हर स्प्रिंग डेज द समर डेज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेज एंड वुड बी हर इन अ ओन. शी ब्रीद इन अ क्विकली प्रेयर दैट लीव माइट बी लॉन्ग. इट वॉज ओनली यस्टरडे दैट शी हैड बॉट विद अ शर्डर दैट लाइफ माइट बी लॉन्ग. अच्छा, ये देखो अब क्या है, अब वो बोलती है कि अब वो फ्री हैं, उनकी सोल फ्री है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं बाहर से आवाज़ आती है उनकी सिस्टर जोसेफीन का कि क्योंकि उन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था. अब जोसेफीन को टेंशन होने लगी कि कहीं जो मिसेज मिलार्ड है वो दुख में कुछ कर ना लें, तो बोलती है कि अपना दरवाज़ा खोलो, कहीं तुम अपने आप को बीमार ना कर लो. तो अंदर से आवाज़ देती है, नहीं, मैं अपने आप को बीमार नहीं कर रही हूँ, ओके, कि मैं अपने आप को टेंशन नहीं दे रही हूँ, अंदर से वो आवाज़ देती हैं, ओके. इसके बाद, ठीक है, तो इसके बाद वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ, वो ऐसा बताती है अपने सिस्टर को कि नहीं, मैं अपने आप को बीमार नहीं कर रही हूँ, बस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ. फिर क्या करती हैं वो, साथ में भी बाद में डोर खोलती हैं. शी अरोज एंड लेंथ एंड ओपन द डोर टू हर सिस्टर्स अपॉर्चुनिटीज दैट वेज अ फीवर रिश ट्रियम्फ इन हर आईज एंड शी कैरीड हर सेल्फ अनट्विंगली लाइक unwittingly like a goddess of victory she collapsed her sister waist and together her the descended stairs Richards stood waiting for them at the bottom. वो दरवाज़ा खोलती है एंड किसकी तरह निकलती है, विक्ट्री ऑफ गॉड,
ठीक है, गॉडेस ऑफ विक्ट्री, गॉडेस ऑफ विक्ट्री, जैसे कि कोई विजेता की रानी गॉडेस ऑफ विक्ट्री की तरह निकलती है बाहर, कि जैसे कुछ उन्होंने पा लिया हो, कुछ जीत लिया उन्होंने, उस तरीके से वो रोते हुए नहीं निकलती ना डिप्रेस निकलती है, वो एक गॉडेस ऑफ विक्ट्री की तरह घर से अपने रूम से बाहर निकलती है। और सिस्टर उनकी बाहर थी, तो वो फिर सिस्टर, उनकी सिस्टर जोसफीन एंड मिसेस मिलान नीचे आती हैं स्टेयर से। जब वो स्टेयर से नीचे उतर रही होती हैं सीढ़ियों से, तो वहाँ पर कौन खड़े होते हैं, रिचर्ड। ठीक है, रिचर्ड ने ही न्यूज़ दी थी कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है कंफर्म करके। ठीक है, रिचर्ड भी नीचे खड़े ही होते हैं। समवन वाज ओपनिंग द फ्रंट डोर विद अ लैच की, इट वाज अ ब्रैंडले मिलार्ड हु एंटर्ड अ लिटिल ट्रैवल स्टेन्ड एंड कंपोजली कैरिंग हिज क्रीप सेक एंड अम्ब्रेला। ही हैड बीन फार फ्रॉम द सीन ऑफ एक्सीडेंट एंड दे नॉट इवन नो देयर हैड बीन वन। He stood amazed and Josephine presiding cry at a Richard quick motion of screen him from the view of his wife. But Richard was too late. When the doctors came, they said she had died of her disease of joy that kills. अब देखो क्या हुआ, जैसे ही नीचे आया दरवाज़ा खुलता है, वहाँ निकलने के लिए दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है वैसे ही वहाँ पे कौन दिखता है उन लोगों को, किसको, जोसफीन को, मिसेस मिलार्ड को और रिचर्ड को, कौन दिखते हैं, ब्रैंडले मिलार्ड। हाँ, ये ब्रैंडले मिलार्ड वही है मिसेस मिलार्ड के हस्बैंड, ठीक है, जिनकी बात चल रही है कि जो ब्रैंडले मिलार्ड है वही उनके ही मरने की बात चल रही थी कि उनकी डेथ हो गई है। पर दरवाजे के बाहर उन्हें कौन खड़ा मिलता है, कौन एंटर करता है, ब्रैंडले मिलार्ड, यानी कि जिनका कहा जा रहा था कि इनकी मृत्यु हो गई, वो नहीं हुई थी, उनके कहीं ना कहीं कपड़े जो हैं गंदे हो रखे होते, वो बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, पर वहीं क्या होता है स्टोरी के एंड में, जोसफीन होती है उनको देख के क्राई करती हैं, चिल्लाती हैं खुशी के मारे। ठीक है, पर रिच क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जो मिसेस मिलार्ड है उनकी डेथ हो जाती है इसमें एंड में, किसकी, मिसेस मिलार्ड की। और डॉक्टर क्या बताते हैं कि अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी मिलने पर उनकी डेथ हो गई है। देखो क्या हुआ, पहले उनके हस्बैंड की डेथ की उन्होंने खबर सुनी, उन्हें दुख हुआ, फिर उन्होंने अपने दिमाग को बना लिया कि कोई नहीं, अब ये भी अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि वो कभी अपनी लाइफ को जी नहीं पाई, तो अब मैं आज़ादी से रहूँगी, उन्होंने ये सोचा मिसेस मिलार्ड। पर अब अचानक से उनके हस्बैंड आ गए सामने, तो यानी कि उन्होंने जो ये सोचा था कि वो अब आज़ादी से रहेंगी, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये जो सपना था वो टूट गया। ठीक है, तो कहीं ना, और वो हार्ट पेशेंट वैसे ही थी, तो उनकी मृत्यु हो जाती है ब्रैंडले मिलार्ड को देखकर। ठीक है, और पर डॉक्टर क्या कहते हैं कि अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी मिली उनको और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यानी कि स्टोरी में पहले किसके बात चल रही थी कि ब्रैंडले मिलार्ड मर गए, पर बाद में एंड में स्टोरी में कौन मरती हैं, मिसेस मिलार्ड ही अपने हार्ट डिसीज के कारण मर जाती हैं। क्यों, क्योंकि एकदम से उनको क्या हुआ, उनकी आज़ादी छीनती हुई नजर आ गई, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया था कि वो लाइफ अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनकर नहीं किसी की, अपनी आज़ादी से जिएंगी। पर अचानक से ब्रैंडले मिलार्ड के आने के बाद उनका वो सब छीन गया, उन्होंने जो अपना दिमाग बनाया था वो हट गया, वो ख़त्म हो गया, तो इस वजह से उनका जो था हार्ट पर प्रेशर पड़ा, उसलिए उनकी मृत्यु हो गई। ओके, और रीज़न था जॉय फॉर किल, की ज़्यादा जॉय की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। समझ में आया, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, एक बार आप पूरा चैप्टर इसको पढ़ेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी हैं इसका मीनिंग लिखेंगे। ओके, चैप्टर आपका फिनिश होता है, एक बार आप लोग ये चैप्टर दोबारा से पढ़ लेना। ओके।